सुप्रीम कोर्ट। कलीज क्लब को गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, आज सुबह ही चला था बुलडोजर। अलीगढ़, धूमधाम से दिवाली भी मनाएंगी रूबी आसिफ, फिर कहा कट्टरपंथियों की धमकी से नहीं डरती। राम राज्य, अयोध्या के 1080 मठ मंदिर गृहकर से मुक्त, साल भर में बस एक बार ली जाएगी दक्षिणा। तमिलनाडु से चोरी 3 मूर्तियां अमेरिका के संग्रहालय में मिली, लाई जाएंगी वापस। अनुष्का शर्मा, विराट ने लगाया शतक तो अनुष्का शर्मा ने यूं लुटाया पतिदेव पर प्यार। डायमंड संघ 2022, नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास, डायमंड संघ 2022 के फाइनल में पहले स्थान पर रहे। राम सेतु, अक्षय कुमार की मुश्किलें नहीं हो रही कम, सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर मांगा जवाब। उत्तराखंड ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर ब्रह्मपुरी के पास आज एक कार गहरी खाई में गिर गई, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए, घायलों को सरकारी अस्पताल ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में इमारत गिरी, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, 6 से 7 लोगों के फंसे होने की संभावना है, 5 घायलों को हिंदू राव अस्पताल भेजा गया है, NDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है। खुफिया जानकारी के आधार पर दुबई जा रहे एक व्यक्ति को कल कोलकाता हवाई अड्डे पर AO अधिकारियों ने रोका और उसके कब्जे से करीब 9.34 करोड़ रुपए मूल्य के 11.87 लाख डॉलर बरामद किए, आगे की जांच की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया, एक युग बीत चुका है जब उन्होंने अपने देश और लोगों को 7 दशकों से अधिक समय तक चलाया, मैं ब्रिटेन के लोगों के दुख को साझा करती हूं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। तेलंगाना, हैदराबाद में टैंक बंद रोड से गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। तमिलनाडु, सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 3रे दिन की शुरुआत नागरकोइल में स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से की, उनके साथ कांग्रेस समर्थक व अन्य मौजूद रहे। बिलासपुर, भाजपा अकेले नहीं लड़ती, उनके साथ ED, IT, DRI, CBI और सारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, संकट जितना बड़ा रहेगा सफलता उतनी बड़ी रहती है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिहार, CM नीतीश कुमार बोले बिहार में जंगल राज नहीं जनता राज है, भाजपा के आरोपों को किया खारिज।